सोशल मीडिया और मीडिया पर मेरे उस साक्षात्कार को लेकर के सरासर गलत तरीके से झूठे शीर्षकों के साथ प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा था कि मैंने ऐसा दावा किया कि ज्ञानवापी में मस्जिद को लेकर के जो अदालत के द्वारा सर्वे हुआ उसमें जो शिवलिंग जैसी आकृति पाई गई वह शिवलिंग नहीं है, फवारा ही है। यह सरासर गलत और झूठ था। मैंने ऐसा कोई भी दावा नहीं किया। देखिए, वह शिवलिंग कह रहे हैं, आकृति उसकी देखने में शिवलिंग जैसी प्रतीत हो रही है, और हम लोगों की जो जानकारी है वह जानकारी के अनुसार वह फवारा था। जो हम लोगों ने देखा है उसको, बचपन से देखा है, पिछले 50 साल से देख रहे हैं। हम लोगों का जाना भी होता था, बहुत बार, सैकड़ों बार गए हैं मस्जिद में और घंटों घंटों वहाँ समय व्यतीत किया है हम लोगों ने। पिछले कई दिनों से बहुत क्षोभ था, कष्ट था कि मैं ऐसे कुचक्र में फंसा, या मेरी कहीं ना कहीं अज्ञानता रही कि मैं उसको जान नहीं सका। इस तरीके से जो कृत्य हुए उसका दोषी मैं अपने आप स्वयं को माना, और मुझे इसका कहीं कोई कानूनी कार्रवाई किसी को नहीं करनी है, जैसा अभी आप पूछ रहे थे। अभी जो मीडिया में तस्वीरें कुछ जो चल रही हैं, जिसको सफाई करते हुए वहाँ मुस्लिम पक्ष जो है सफाई कर रहा है, इस स्थिति में उसको ऊपर से जो फोटो लिया गया उसका जो है, तो सामने से वो पूरा नीचे का दिखाई दे रहा है, तो वह देखने में तो उसकी आकृति शिवलिंग के जैसी ही है। सामने नंदी भी है। नंदी तो देखिए पीछे है उधर, और नंदी का तो इससे हम लोगों को जानकारी है कि नंदी का इससे मंदिर से कोई मतलब नहीं है। सुना आपने, ये वही महंत हैं जिनका कुछ दिनों पहले तक ये दावा था कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिला पत्थर फब्बारा दिखाई देता है, और वे इस मामले को कोर्ट पर छोड़ने को कहते हैं। लेकिन लगता है काशी विश्वनाथ मंदिर के नजदीक ही काशी करवत मंदिर के महंत पंडित गणेश शंकर उपाध्याय को कथित शिवलिंग को फब्बारा बोलना अब भारी पड़ गया है, और आज उन्होंने अपने महंत पद से इस्तीफा देते हुए यह जिम्मेदारी अपने छोटे भाई डॉक्टर दिनेश अम्बा शंकर उपाध्याय को सौंप दी। सोशल मीडिया और मीडिया पर मेरे उस साक्षात्कार को लेकर के सरासर गलत तरीके से झूठे शीर्षकों के साथ प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा था कि मैंने ऐसा दावा किया कि ज्ञानवापी में मस्जिद को लेकर के जो अदालत के द्वारा सर्वे हुआ उसमें जो शिवलिंग जैसी आकृति पाई गई वह शिवलिंग नहीं है, फवारा ही है। यह सरासर गलत और झूठ था। मैंने ऐसा कोई भी दावा नहीं किया। पिछले कई दिनों से बहुत क्षोभ था, कष्ट था कि मैं ऐसे कुचक्र में फंसा, या मेरी कहीं ना कहीं अज्ञानता रही कि मैं उसको जान नहीं सका। इस तरीके से जो कृत्य हुए उसका दोषी मैं अपने आप स्वयं को माना, और मुझे इसका कहीं कोई कानूनी कार्रवाई किसी को नहीं करनी है, जैसा अभी आप पूछ रहे थे, किसी को नहीं। मेरा सबसे बड़ा जो न्याय का देवता है वो मेरा ही देवता है, जिसका मैं किंकर सेवक हूँ, वो मेरे भीमेश्वर प्रभु उसका निर्णय स्वयं करेंगे। मैं सेवक हूँ, वो मेरे स्वामी हैं, मैंने सब कुछ उनको अर्पण कर दिया। तो आप त्याग पत्र दिए, क्या हुआ? बिल्कुल, मैंने इस क्षोभ के साथ जो मुझे पश्चाताप हुआ उसके लिए मुझे तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा पथ शिव सायुज्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो रहा था, उसमें यह जो व्यवधान उपस्थित हुआ, इस व्यवधान ने मुझे व्यथित किया। महंत गणेश शंकर उपाध्याय का कहना है कि मीडिया में उनके वक्तव्य को गलत शीर्षक के साथ दिखाया गया, लेकिन आप खुद ही सुन लीजिए उस वक्त महंत गणेश शंकर उपाध्याय का क्या कहना था। फवारा कैसा चलता है? अपने घर के सामने मस्जिद है, हमारा महंत आवास मस्जिद के ही सामने पड़ता है, पीछे तो हमारा जो महंत आवास का पीछा है वो मस्जिद के ही ठीक सामने है, और 10 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है हमारे महंत आवास और मस्जिद के बीच में,
बहुत हम लोगों के संबंध तो ऐसे थे ही, पड़ोसी है भाई, मस्जिद है, हम भी मंदिर से हैं, वो मस्जिद, तो ऐसा तो पहले कोई विवाद आपस में था नहीं, बहुत भाईचारा था, प्रेम था, सब लोग जाते थे वहाँ से, मौलवी भी हम लोगों के आते थे घंटों, वो भी बैठते थे, हमारे पूर्व के जो दादा गुरु थे हमारे यहाँ महंत जी थे उनके पास उनका बैठना होता था, बातचीत होती थी। तो ये जो जानकारी हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पर है कि वह यही है कि वह फव्वारा था, लेकिन कभी उसको चलते हुए नहीं देखा। फिलहाल महंत गणेश शंकर उपाध्याय का कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी और उनकी बात को गलत शीर्षक के साथ दिखाया गया, जिसके बाद अब महंत गणेश उपाध्याय ने महंत पद की जिम्मेदारी अपने छोटे भाई को सौंप दी है और बताया कि वे एक कुचक्र का शिकार हो गए थे। फिलहाल अब ये जांच का विषय है कि क्या महंत ने जो कदम उठाया है वह स्वेच्छा से उठाया है या फिर वे किसी दबाव में आकर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल महंत ने अपने पद का त्याग कर दिया है और भावुकता के साथ तपस्या करने की बात कही है। अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में ज्ञानवापी मामले पर और क्या क्या देखने को मिलता है। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।